पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा हिंदू को हिंसक कहने को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अब इस पर विश्व हिंदू परिषद ने जबरदस्त निशाना साधा है। आरएन सिंह, केंद्रीय सलाहकार व केंद्रीय प्रन्यासी विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा पार कर गए राहुल गांधी। हिंदू को गाली देकर खुद को सही सुन साबित करना चाहते हैं। दुनिया में कई धर्मों के चर्चा और कब्र तक बटे हुए हैं, लेकिन हिंदू के शमशान एक ही होता है। राहुल जी को ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हिंदुओं के लिए प्रतिकार का समय आ गया है। अगर हिंदू जग गए तो फिर उनको पता चलेगा कि कितने सही है वो। राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म पर बोल के दिखाए। यज्ञ हिंदू समाज अगर जागेगा तो सबों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो काम करते रहें और हमारे हिंदुओं को गाली देते रहें, लेकिन अगर हिम्मत है तो किसी दूसरे समुदाय के बारे में एक शब्द बोल के दिखाएं, तो मैं समझूंगा कि आप पे कुछ दम है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिकार का समय, देखिए प्रतिकार का मतलब मारपीट नहीं होता है। प्रतिकार का समय होता है कि मैं चुप नहीं रहूँगा, आपके बात का मैं जवाब दूंगा। अभी तक हम सहिष्णु थे, हमारे बारे में आप बोलते थे, हम सुन लेते थे कि चलो भाई कोई बात नहीं। शुरू से ही जब से हमारी देश आज़ाद हुई है, हमारे देश को बांटा गया है धर्म के नाम पर। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाक जगह उन्होंने मांगा था, इसलिए पाकिस्तान दिया गया। उन्होंने जो अपनी जगह चुनी उनको दिया गया। हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुओं का ये जगह है जो हम 1947 में धर्म के नाम पर आधारित बंटवारा हुआ था। आज उनको तुष्टिकरण के लिए हम ही को सेकेंड ग्रेड का सिटीजन बनाया जा रहा है। जब से आज़ादी हुई है तब से हमारे ऊपर ही कानून लगाए जा रहे हैं। हमारे ऊपर तुष्टिकरण के लिए हिंदू लॉ लाया गया, हमारे में बहुविवाह रोका गया, आज उनके तरफ बहुविवाह हो रहा है। हमारे में बच्चियों की शादी 18 साल से कम में करने की मनाही हो गई, उनके में जब से जब जिस उम्र में हो शादी कर सकते हैं आप। हमारे यहाँ 3 बीवियाँ रखने का अधिकार खत्म कर, हमारे कितने राजा दशरथ से लेकर जितने राजा हैं सबको सानियाँ होती थी, लेकिन नहीं, हमें कहा गया कि एक ही। हमारी सती प्रथा को बंद कर दिया गया बिकॉज ये अमानवीय था, लेकिन किसी ने हलाला पर और किसी ने तलाक के ऊपर कोई इस तरह का बात नहीं किया। तो ये सारी बातें हैं, शुरू से ही हमारे हिंदू समाज को सॉटल किया गया है, दबाया गया है और हम लोग सहते आए हैं, और लगता है इसी का परिणाम है कि लोग समझते हैं हम जो कुछ भी करते चले जाएंगे वो अच्छा रहेगा, हिंदू कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप इस बात को भी जानिए कि कोई भी अगर स्प्रिंग होता है उसको दबाते चलिए, एक समय आएगा अगर वो छूटता है तो आज वो एक बहुत ही विस्फोटक चीज़ हो जाता है। इसलिए हमें हमारे सहिष्णुता का जांच न करें, हमारे सहिष्णुता का ये परख नहीं करें कि कब तक हम लोग दबे रहेंगे। जब हमारा हिंदू समाज जगेगा तो हम समझते हैं कि सबों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी जो इस तरह का सेकुलरिज्म और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छा 100 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने खुलेआम से संसद में ऐलान किया कि हिंदू हिंसक होते हैं और इनके लिए के जो पार्टी के लोग हैं या इनके जो कर्ता धर्ता हैं वो डर फैलाते हैं और असामाजिक काम सब करते हैं। मुझे ये सुनकर तो आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन मैं राहुल जी को बहुत ही एक अच्छा नेता मानता हूँ। कि जैसे हम लोग के मन में धारणा थी कि जब कोई इलेक्शन में कोई भाषण देता है तो जब पावर में आता है तो शायद समझता है कि वो इलेक्शन का भाषण और काम करने का काम अलग होता है। ये राहुल गांधी जी ने कल बहुत अच्छा किया, इलेक्शन के पहले जिस जो धारणा उनकी थी तुष्टिकरण की, उसकी पराकाष्ठा उन्होंने पार्लियामेंट में कल करके दिखा दिया। तुष्टिकरण के फेरे में उन्होंने हम हिंदुओं को एक हिंसक बता दिया। वो अपना काम बहुत अच्छा से किए, उनको करना चाहिए, और अगर वो करते रहेंगे तो आगे चल करके हम लोगों का
जो हमारे राष्ट्रवादी लोगों का जो एक अखंड भारत का जो सपना है वो शायद वो पूरा करेंगे जब उनके सपने के मुताबिक पाकिस्तान और चाइना में भारत का विलय हो जाएगा। ये वही चाहते हैं। हम हिंदुओं को गाली दे करके वो इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि हम कितने सहिष्णु हैं। हम आज हमें जातियों में बांटकर, हमें सेक्टर्स में बांट करके उन्होंने जो जीत हासिल की है वो समझते हैं कि उनका एक बहुत अच्छा परिचय है, लेकिन इस बात को जानते हैं कि जो भी दूसरे समुदाय के लोग हैं कई कल्प में बटे हुए हैं और सबों के लिए अलग मस्जिदें अलग चर्च होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है उन समुदायों में भी हर एक चर्च और हर एक कल्ट के लिए अलग अलग कब्रिस्तान होता है, अलग अलग चर्च या मस्जिद होता है। लेकिन राहुल जी को मालूम होना चाहिए हम हिंदू किसी भी तरह से अगर बटे हुए भी हैं तो हमारा श्मशान एक होता है। हम भारत के किसी कोने में जाते हैं, किसी भी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। हम चाहे कलकत्ता में रहें या महाराष्ट्र में रहें, गणेश की पूजा, माता की पूजा, बालाजी की पूजा, संतोष कहते हैं वैष्णो देवी की पूजा करते हैं। हम सभी अलग अलग बात अपना रखते हैं लेकिन हम सब एक हैं, हमारा श्मशान एक है, आ गया है, अब हम लोग सह नहीं सकते हैं। और अगर सब हिंदू, हम स्वयं हिंदू सेकुलर कहलाते हैं या जो नहीं कहलाते हैं, हम सभी हिंदू अगर जग गए तो फिर सचमुच पता चलेगा हम कितने सहिष्णु हैं। मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूँ। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट।